नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट ग्रीन्स में। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे वायर इंजर्स के यहाँ पर लिस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। जी हाँ, क्योंकि देखिए वायर इंजर का IPO बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगा होगा और करंट जो उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने ट्रेड कर रहा है उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे और क्या कल करना चाहिए। जी हाँ, कल क्या करना चाहिए वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है, अगर किसी को भी यहाँ पर IPO मिला है। दूसरी बात, जिनको IPO नहीं मिला है क्या उनको यहाँ पर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका भी मैं एक बार आपको व्यू देना चाहूँगा। तो लिस्टिंग डे में यहाँ पर आपको क्या करना, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले करंट जो यहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितने ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर हम यहां पर बताना चाहेंगे। देख सकते हो जो आज के यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेड कर रहा है वो यहाँ पर 1300 रुपीज़ के अराउंड यहाँ पर कुछ ट्रेड कर रहा है। लास्ट में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ, 1100 तक यहाँ पर यस्टरडे को भाव चले गए थे, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर मार्केट कंडीशन था उस तरीके से यहाँ पर सीधी सी बात वोलेटिलिटी रहेंगी, ठीक है। एंड करेंटली यहाँ पर 1300 रुपीज़ के अराउंड कुछ ट्रेड कर रहा है। तो आपका अगर यहाँ से हम भाव निकाल करें तो यहाँ पर तकरीबन 85-90% बिटवीन कुछ निकल कर अभी करेंटली यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और लिस्टिंग भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि उस भाव के अराउंड हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती है। सेकंड थिंग, IPO के दिन यहाँ पर कल यहाँ पर लिस्टिंग होने जा रही है। जी हाँ, तो कल यहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा बाइंग आएगी, कल क्या यहाँ पर सर्किट लग सकता है? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है इतनी ज़्यादा कि यहाँ पर सर्किट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोग सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मार्केट का कंडीशन करंटली ऐसा है। जब मार्केट का कंडीशन ऐसा होता है तब उस टाइम पर सेलिंग लोग ज़्यादा यहाँ पर उसको प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, जी हाँ, कैश में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा मुझे लगता है कि सर्किट लगने के चांसेस ऊपर के साइड कम है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो नए लोग हैं क्या उनको बाइंग करना चाहिए? तो देखिए, करंट मार्केट साइज़ कितने पर यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ पर जो कंपनी IPO लेकर आ रही थी जो अवेल्यूएशन थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो 43,179 करोड़ यहाँ पर कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर यहाँ पर IPO आ रहा है। जी हाँ, अगर लिस्टिंग यहाँ पर मान लीजिए मैं कहता हूँ 90% भी होती है, ठीक है, 90% भी होती है यहाँ से, तो फिर आपकी वैल्यूएशन को निकल कर आएंगी कुछ 80,000 करोड़ से भी ऊपर का। जी हाँ, 80,000 करोड़ से भी ऊपर का यहाँ पर आपका वैल्यूएशन बनेगा उसके बाद। तो मेरे हिसाब से उस भाव के बाद यहाँ पर अगर आपका व्यू सिर्फ लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, उस लॉन्ग टर्म का व्यू है, मिनिमम यहाँ पर 3-4 डेज़ का ड्यूरेशन है, तभी जाकर यहाँ पर बाइंग करिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद इंस्टेंट पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद इंस्टेंटली कोई यहां पर स्टॉक्स 2-3 गुना होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आफ्टर लिस्टिंग, ठीक है। मिनिमम 2 इयर्स का तो व्यू होना ही चाहिए अगर यहाँ पर थोड़ा पैसा बनाना है, अदरवाइज यहाँ पर लिस्टिंग डे के दौरान ही यहाँ पर सेल कर एग्जिट कर लेना प्रीफर करिएगा, ठीक है। जितना भी आपको रिटेल कैटेगरी में मिला तो रिटेल कैटेगरी में, एच एन आई कैटेगरी में अगर किसी को मिला है, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर शायद आप ऐसा कर सकते हो कि वहाँ पर आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकाल लो एंड जो प्रॉफिट रहेगा वो सिर्फ प्रॉफिट रखो, ठीक है। बिग एच एन आई कैटेगरी में अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर 2 लाख का लोट मिला है, ठीक है, 2 लाख में से आप अपना पैसा निकालो इन्वेस्टमेंट वाला, बाकी का 2 लाख रख सकते हो। अगर सेम इस रिटेल में भी ऐसा कर सकते हो, बट रिटेल में प्रॉब्लम क्या रहेगी, अगर 13,500 का तो यहाँ पर रिटेल में पर लोट का भाव था, ठीक है, सामने प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको कुछ 12,000 अराउंड, तो 12,000 को अगर निकालोगे 13,000 रखोगे तो कोई बड़ा पैसा बनेगा ही नहीं लॉन्ग टर्म में। जी हाँ, कोई बड़ा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। 13 लाख का शायद कितना बड़ा बनेगा, मेरे हिसाब से 1 लाख बनेगा, तो 1 लाख की उस टाइम पर वैल्यू भी कुछ नहीं होगी आज से 5-7-8 साल बाद। तो वही मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तभी होल्ड करो, उसमें से भी अपना जो इन्वेस्टमेंट वाला रुपया है वो निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर बिग HNI और स्मॉल HNI वालों के लिए यहाँ पर यही रिक्वेस्ट है, जी हाँ, अगर आपके पास यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है स्मॉल HNI और बिग HNI में, तो आप अपना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालो, बाकी का जो प्रॉफिट बचा कुचा है वो यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद वो पैसा बड़ा बन जाए क्योंकि आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका है इस वजह से। अगर रिटेल कैटेगरी में आपका इन्वेस्टमेंट 13-15 हज़ार रुपीज़ का है तो यहाँ पर कोई बड़ा पैसे बनने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इससे बेटर है कि यहाँ पर पूरा निकाल लो, एंड अगर आपको मोर देन 2 लोट लगे हैं, जी हाँ, 2 लोट से ज़्यादा लगे हैं, तो फिर यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 2 लोट से ज़्यादा लगे हैं और व्यू है कि यहाँ पर हम पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते, तो मैं कहता हूँ पूरा पैसा होल्ड पर रख लो। और जो नए इन्वेस्टर है जिनको IPO में अप्लाई बहुत ज़्यादा करा था, जिन्होंने 10, 12, 15 ID से अप्लाई करा था, एप्लीकेशन लगाई थी बट नहीं मिला, और उनको अब यहाँ पर क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, मेरे हिसाब से एक टाइम पहले यहाँ पर रुक जाओ। जी हाँ, सेलिंग यहाँ पर होगी, ठीक है, तो एक टाइम के लिए यहाँ पर रुक जाओ। जो प्रीमियम है जिसके केस में भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा हाइप थी, इससे भी ज़्यादा लिस्टिंग अच्छी ही हुई थी वहाँ पर भी, बट लिस्टिंग डे के दौरान हुआ क्या, डायरेक्टली स्टॉक्स आ गया नीचे, दैन 2 दिन में स्टॉक्स फिर से रिकवर हुआ, फिर से यहाँ पर 1150 के लेवल को क्रॉस कर दिया, बहुत कुछ वहाँ पर हुआ, बट वहाँ पर अब देखें मोमेंटम गायब है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ मार्केट कंडीशन अगर नहीं संभली तो कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी भी यहाँ पर नीचे आएंगी।
तो एज अब एटलीस्ट प्रीफर करें कि थोड़े दिन वेट कर जाओ अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी का भी यहाँ पर माइंड सेट था कि हम शॉर्ट टर्म में 20-50% कमा कर ले ले इसको लिस्टिंग के दिन एंड दिन 3-4 दिन में अगर हमें 20-50% रिटर्न मिल जाता है देन हम निकल जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा इस आईपीओ में। तो कृपया करके वहाँ से ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ऐसे आइडिया से यहाँ पर आप दूर रहिएगा। दो ही चीज़ है, लॉन्ग टर्म का व्यू एंड लिस्टिंग डे यहाँ पर बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं यहाँ पर अपना कोई व्यू नहीं देना चाहूँगा, जो व्यू मेरा है वो बहुत सही जा रहा है इस वजह से मैं दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में अभी कोई मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस वजह से मैं आपको कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करना चाहूँगा या कोई भी गाइडेंस या सजेशन इसके बारे में प्रोवाइड करना नहीं चाहूँगा। बाकी जो मेरी स्टडी है मैंने क्लियर कट आपको बता दी है ऑलरेडी। वारी के बारे में तो डिटेल में एनालिसिस लाई है कि वारी क्या 10 साल में 10 गुना बन सकता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत डेप्थ में हमने समझाया है कंपनी किसने कितने परसेंट से ग्रो कर सकती है, कितने परसेंट से ग्रो करना ज़रूरी है तब जाकर 10 साल में 10 गुना स्टॉक्स बन सकता है। तो चाहिए वो वीडियो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।